आगे कुछ करने की शक्ति है। अरे मऊ के जिलाधिकारी अरुण कुमार जी, मऊ के पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे जी, मऊ के PFO चिंतन डबरियाल साहब, गोरखपुर से आए हुए हमारे कंजर्वेटर फॉरेस्ट चोपड़ा साहब, मैं आपका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, ब्रह्मा मैं कैसे भूल सकता हूँ, हरि ब्रह्मा जी, आसाम के हरि ब्रह्मा जी, मैं जब आपसे परिचय हुआ तो मुझे ध्यान आया चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है जो ब्रह्मा विष्णु महेश बैंक है उसके, थैंक यू ब्रह्मा जी। और हमारे मुख्य विकास अधिकारी वर्मा जी, यहाँ पे हमारे परिवार के सदस्यगण, यहाँ हमारे आसपास के आए हुए तमाम सारे सम्मानित भाइयों बहनों, हमारे उत्तर प्रदेश की एक संस्था के आप भी दराज हैं, राम प्रकाश जी हमारे MD साहब, आप सारे लोगों का आज यहाँ पे कटघरा शंकर के शहीद स्मारक के, बैठ लीजिए शर्मा जी बैठ लीजिए, शहीद स्मारक के भूमि पूजन के अवसर पे आप सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस समय पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, मार्च 2021 से लेकर लगातार मार्च 2023 तक एक ऐसा काल है जबकि पूरा देश देशभक्ति में डूबा हुआ है, तमाम सारे ऐसे कार्य पूरे देश भर में चल रहे हैं जो हमें याद दिलाते हैं उन तमाम सारे लोगों का जिन्होंने हंसते हंसते अपने जान कुर्बान कर दिया इसलिए कि हम आजाद देश के नागरिक बन सके। ये समय है ये याद करने का कि हम आजाद हुए जब 75 साल हो गए, इस 75 साल में हमने क्या उपलब्धियां की और आगे हम अमृत काल जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने संज्ञा दी है कि जब हम आजादी का 100 साल बनाएंगे 2047 में तो हम कहां होंगे। हो सकता है आप सबके बीच में से वो तेरे लोग न भी रहे लेकिन आज आप सोच तो सकते हैं, भगवान ने आपको वो बुद्धि दी है, आपको ये शक्ति दी है कि आप अपने आप को आज से 25 साल आगे ले जाकर के देख सकते हैं कि हमारा देश कहाँ होगा, जो जहां आप सोचते हैं वो जहां पे हमारा देश होगा वो देश को ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है क्योंकि आज हम उस स्थान पे हैं जहां हम उस कार्य को कर सकते हैं। कोई भी देश वहां के भूगोल से नहीं बनता, वहां के नदियों से, पेड़ों से, पहाड़ों से, जमीन से, वहां की खनिज शक्ति से नहीं बनता, कोई भी देश वहां के नागरिकों से बनता है। वहां के नागरिक अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कर गुजारने का वो संकल्प लेते हैं, तो ये समय है आजादी का अमृत महोत्सव में एक संकल्प लेने का कि हम अपने देश को 100 साल जब आजादी का मना रहे होंगे 2047 में हम कहाँ लेके जाएंगे अपने देश को, और उसी के लिए उन तमाम सारे शहीदों को याद करने के लिए पूरे देश में तमाम सारे कार्यक्रम हुए। आपको ख्याल होगा, आपने पढ़ा होगा 1942 का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, एक बार एक मुंबई से महात्मा गांधी की वहां पे जो कांग्रेस की बैठक हुई वहां से एक आह्वान किया गया, तब जबकि पूरा विश्व दूसरे विश्व युद्ध के साथ जूझ रहा था और ऐसा लगा कि अंग्रेजों के साथ बहुत कुछ करने के बाद वो शायद हमारे देश को छोड़कर नहीं जाने वाले होंगे, तो आर पार की लड़ाई अंग्रेजों भारत छोड़ो ये शुरुआत की मुंबई से 1942 में, और उसका नतीजा पूरे देश भर में लोगों में देशभक्ति का इतना ज्यादा जोश पड़ा कि जगह जगह ऐसे तमाम सारे कार्य हुए जिससे अंग्रेजों को एक बार सोचने के बाद होना पड़ा कि शायद अब हमारी हुकूमत का अब वो अंतिम वक्त आ गया।
और उसी भारत छोड़ो आंदोलन में मैंने बचपन में अपने पिताजी से सुना था। मेरे पिताजी बताते थे कि जब अंग्रेज साहब बहादुर इस सड़क से गुजरते थे तो लोग अपने घरों में घुस जाते थे, लोग भाग जाते थे। अभी आप एक पूरे प्रदेश के सिविल सर्विस के मुखिया मुख्य सचिव के आमने सामने आप मुझसे बात कर रहे हैं, तमाम सारे लोग मेरे सामने अपना एप्लीकेशन लाते हैं। ये एक आजाद भारत है, जनतांत्रिक भारत का ये ताकत है जिसे हर कोई तक पहुंच सकता है। ये तो अंग्रेज साहब बहादुर, अगर छोटे से अंग्रेज साहब बहादुर, मेरे पिताजी कहते थे बचपन में कि जब कोई यहाँ से निकलता था इस सड़क से तो लोग अपने घरों में घुस जाते थे, कोई खिड़कियों से देख सकते थे, अपने सड़क पर नहीं आ सकते, इतना भय का वातावरण। और उस भय के वातावरण को तोड़ने के लिए, उस ताकत को तोड़ने के लिए हमारे देश में 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो ये संकल्प लिया और अंग्रेजों को खदेड़ करके बाहर किया। 1947 में उनको यहाँ से छोड़ करके भागना पड़ा और हमारा देश आजाद हुआ। और उस 42 के आंदोलन में मेरे पिताजी बचपन में हमें बताया करते थे कि कैसे यहाँ पे शहीद स्मारक, यहाँ पे शहीदों ने, आपने मौजा को यहाँ पे देखा होगा, मेन रोड पे मौजा है, वहीं पे तमाम सारे अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई और उसमें हमारे लोग शहीद हुए, जिसमें उनका नाम यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। वो लोग चाहते तो वो भी भाग जाते, लेकिन उन्होंने मोर्चा लिया और मोर्चा लेकर के शहीद हो गए। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन शहीदों को याद रखें। उनको याद रखने के लिए यहाँ पे शहीद इंटर कॉलेज बना हुआ, यही बगल में एक शहीद डिग्री कॉलेज बना हुआ उन शहीदों के नाम पे, और ये स्मारक बना हुआ भगवान में भी एक स्मारक बना हुआ, ताकि हम जब भी यहाँ आए हम एक बार महसूस करें कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया इसलिए हमारे आने वाली पीढ़ियाँ सुखी रहें, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ उस त्रासदी से जो अंग्रेजों के वक्त में थी उससे मुक्त हो जाए। और इसी को मनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया, अभी हाल में निर्णय लिया, बहुत सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए कि शहीद स्मारक को पूरा एक नए कलेवर में इसको बनाया जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र के लोग आए और यहाँ पे शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों की यही बातें लिखा होगा, यहाँ पे आए और उसको याद करें। जिस काम को दिया गया है हमारे MD साहब है, एक कोऑपरेटिव की कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, राम प्रकाश जी आपकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अभी मैं आपसे यही देख के कह रहा था, आपने कोई समस्या बताई कि यहाँ पे पानी बहुत लग जाता, तो उसका सबसे आसान तरीका, हम इंजीनियरिंग करते थे और इंजीनियरिंग में एक तरीका होता है उसको कहते थे डोंकी मेथड, मैंने डोंकी उस काम को करेगा पक्का सही होगा, और वो मेथड था कि इसको 1 मीटर पानी मिट्टी उठा दीजिए ताकि यहाँ का पानी दूसरे तक चला जाए। लेकिन हमें कहा जाता था कि अब आप IIT के इंजीनियर हो, आपको डोंकी मेथड नहीं करना है बल्कि आपको इंटेलिजेंट मेथड करना है, आपको नए सोल्यूशन ढूंढे, और नया सोल्यूशन अभी आपसे बात करके मैंने आपको तरीका बताया कि यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन का आप स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, उस वाटर कंजर्वेशन के स्ट्रक्चर से यहाँ पे चाहे कितना भी पानी बरसे, सारा का सारा पानी धरती माँ को, जो हमारी शरीर में जैसे नसों में खून बहता है वैसे धरती माँ के शरीर में एक्विफर्स कहते हैं, उसकी नसें होती हैं, उसमें पानी बहता है, तो उसको सीधे सीधे रिचार्ज करेंगे, आसपास का पानी का लेवल भी होता है। यहाँ से नाली से हम पूरा ढेल ऑफ कर देंगे और एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन निकल जाएगा, हम इस काम को कर सकते हैं। यहाँ से आपसे मैंने चर्चा की, जैसे आप सारे लोग आए, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये है कौन सा, किसका शहीद, किसका शहादत, किसने शहादत दिया, क्यों तो शहादत दिया, कब शहादत दिया। मुझे तो याद है कि मुझे बचपन में मेरे पिताजी बचपन में तो इधर से लेके जाते थे, बोलते थे कि देखो ये मौजा है, यहीं पे लोगों ने शहीद शहादत दी, लेकिन उन बच्चों को नहीं मालूम और आने वाले समय को भूल ही जाएगा। तो इसलिए जो हम इसका जो बनाएंगे एक मल्टीपर्पज हॉल बनाएंगे, वहाँ पे उनके बारे में हम लिखेंगे। और मैं तो ये भी चाहूँगा, कलेक्टर साहब से मैं अनुरोध करूँगा, ये साल हमारे लिए बड़ा खास साल है, आज़ादी का 75वां साल हम आज़ादी का मनाने जा रहे हैं, 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं,
हर गांव में हम अमृत सरोवर बनाने जा रहे हैं, हर गांव में हम अमृत वन बनाने जा रहे हैं। मेरे गांव में भी बन रहा है अमृत सरोवर, कल हम उसका शुरुआत करेंगे। हर गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हर गांव में अमृत सरोवर बनाएंगे। जो हम इसका कर रहे हैं तो साथ ही साथ हम पूरे आजमगढ़ के जितने भी शहीद हैं, जाने अनजाने, हम नाम तो कुछ लोगों का जानते हैं लेकिन आप जानते हैं जब लड़ाई लड़ी जाती है तो केवल जनरल माने शाह नहीं, क्योंकि माने शाह के पीछे हजारों के हजारों संख्या में हमारे सैनिक होते हैं जो हमें 71 की वॉर की वो मोमेंट देते हैं जब एक साथ दुनिया का सबसे बड़ा 1,00,000 लगभग पाकिस्तानी सेना उनके सामने आत्मसमर्पण अपने हथियार डाल करके हाथ खड़े कर दिए। जनरल माने शाह को आप भी नहीं, जनरल माने शाह उस समय पटना के पास दानापुर में अंडरग्राउंड वहां से कमांड कर रहे थे, वो हमारे फील्ड मार्शल बने। लेकिन जनरल माने शाह के पीछे हजारों की संख्या में हमारे सेना के जो तमाम सारे लोग थे उस लड़ाई को लड़ रहे थे। ऐसे ही जो हम आज़ाद हुए, आज़ादी में हमारे जानने वाले को हम गिनेंगे जो गिने चुने तमाम सारे लोग हैं जिनका नाम हम किताबों में पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके पीछे ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने अपनी नौकरियाँ छोड़ दी, अपना काम धंधा छोड़ दिया, लग गए तो पूरी तरह से राम प्रसाद बिस्मिल। अभी हाल में मैं शाहजहांपुर जाने का मौका मिला, मुझे राम प्रसाद बिस्मिल आपने शायद देखा भी होगा, मैं उनके पुस्तक जो है वहाँ के म्यूजियम को मैंने मिली तो पुस्तक को मैंने म्यूजियम को दान किया। तो ऐसे तमाम सारे लोग ये जो शहीदों के मैदानों पर लगेंगे हर वर्ष के लिए, ये शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की लिखी हुई कविता है, ऐसे तमाम सारे भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ऐसे लोगों का नाम तो हम सब जानते हैं, लेकिन उनके पीछे वो हजारों हजारों की संख्या में लोग जो थे उनको हम भूल चुके हैं। और उन सब की कहानी बहुत ही प्रेरणादायी है, उन सब की कहानी हमारे नसों में पूरा का पूरा ओजस पूरी पूरी ताकत भर सकती है। हम देशभक्ति का एक बार हम सोचेंगे कि अगर वो अपने देश के लिए ये दे सकते हैं तो हम अपने देश को क्या दे दें, जिससे कि हम 2047 में जब आज़ादी का 100 साल मना रहे हो तो हमारा देश दुनिया का सिरमौर हो। सिरमौर था भी पहले, ज़्यादा पहले नहीं, आज से कुछ अगर आप 700-800 साल पहले जाएं तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की थी। दुनिया में भारत का वो स्थान था जिसके बारे में कहते थे गायन की देवा कल के चानी धनिया भारत को भागे स्वर्ग आप अवर का दुनिया में लोग अगर सोचते थे कि अगर कहीं जाना है तो भारत देश में आना है। यहाँ पे दूध की नदियाँ भाग करती थी, यहाँ पे देवी देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते थे, सोचते थे इस भारत भूमि के इस धन्य भूमि में हम जन्म होकर के हम धन्य हो जाएंगे। ये हमारा भारत था, ये हमारा भारत था। जब जहांगीर के दरबार में अंग्रेज आए थे उन्होंने कहा तो ऐसा तो हमने पेरिस और लंदन को भी नहीं देखा है, पेरिस और लंदन भी वैसा नहीं था जैसा फतेहपुर सिकरी में उनका जो राजधानी थी। ये हमारा भारत था, लेकिन एक अपनी गुलामी के एक ऐसे काल से हम गुजरते चले गए जिससे हम अपने आप को धीरे धीरे भूलते चले। अगर आप देखें जहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप देखें तो हमारा साहित्य, हमारा जो वैदिक साहित्य है, हमारा वैदिक विज्ञान है, वैदिक गणित है, ज्योतिष है, ये हमारी इतनी रिच, इतनी सांस्कृतिक, इतना उसमें ताकत है जो पूरे दुनिया को ताकत, हम लोग विश्वगुरु थे। लेकिन विश्वगुरु हम अपने आप को भूल गए, और क्यों भूले, क्योंकि हम अपने आप को भूल गए कि हम कौन है। जहाँ पर मैथिली सड़गुप्त की वो कविता याद करते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ बिचारे आज हम मिल सके, हमको आज वक्त है सोचने का। ये 75 साल का अवधि जो है ये सोचने का वक्त है कि कैसे जब हम दोबारा 25 साल पूरा करेंगे 100 साल में, एक बार दोबारा इस देश को जो हम विश्व के पूरे विश्व के परिवार के रूप में मानते हैं, और कोई नहीं मानता दुनिया में, केवल अमीर है जो कि पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में मानते हैं, उस बात को हम एक बार दोबारा साबित कर सकते हैं कि देश को हम ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। और वो ले जाने के लिए यहाँ की भूगोल, यहाँ का खनिज, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के पहाड़, यहाँ की नदियाँ नहीं बल्कि हमारे लोगों की ताकत उसको बात ले जा सकती है। और इसीलिए जब हम शहीद स्मारक को हम एक बार इस प्रकार का उस स्थान देते हैं तो वो इसलिए देते हैं कि ताकि हम वहाँ पे पहुँचे और वहाँ से प्रेरणा लें कि अगर कोई हमारे देश के लिए अपनी जान दे सकता हम भी जान दे सकते। अभी वक्त आ रहा है 15 अगस्त
ये मैं दूसरी बात तो मैंने कही इसलिए कि मैं कलेक्टर साहब के लिए मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ, कप्तान साहब को जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि जब मैं आगे 3-4 महीने के बाद आऊँ तो मैं चाहूँगा यहाँ पे हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री आएंगे, उनसे मैं किताब का विमोचन कराना चाहता हूँ। ये आपको जिम्मेदारी दे रहा हूँ, किताब का विमोचन कराना चाहता हूँ। आजमगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो तमाम सारे जाने अनजाने लोग हर गाँव से निकालिए, ऐसी तमाम सारी लोरियों में लोग मिलेंगे, गाँव में लोरी सुनाते हैं, उनकी कहानी सुनाते हैं, लोरियों में लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने जान को कुर्बान किया, जिनके बारे में आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, उनके फोटोज बनाएंगे और उससे तमाम लोग प्रेरणा लेंगे। तो मैं ये आपको जिम्मेदारी देता हूँ कि जब हम दोबारा 3-4 महीने के बाद आएंगे उद्घाटन के लिए तो उस पुस्तक का विमोचन में माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री से कराना चाहूँगा। साथ ही साथ अभी 15 अगस्त 2022 आज़ादी के